मुख्यमंत्री के मानो संकट के बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, सीएम हेमंत सोरेन जो है, जैसा आप देख सकते हैं, जन जन की आवाज़ जीएन भारत पहुंच चुका है। फिर से एक बार हाईकोर्ट के समक्ष हम आपके सामने पेश है और खबर है कि जैसा हमने कहा कि मुख्यमंत्री का मानो संकट के दिन जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहे। ये जो बादल है छटने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए क्योंकि दो केस की सुनवाई कल हुई है और उस दोनों केस में सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बताते हैं, पहला जो केस है वो आचार संहिता का उल्लंघन के मामले को लेकर है, जिसमें उन्होंने वोट देने जेएमएम का पट्टा पहनकर वो जो चले गए थे उस पर है। और दूसरा जो केस था जिस पर सबकी पैनी नजर थी वो था खनन लीज पट्टा। पहले के हम दोनों केस में बताएंगे कि जो कल सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया। पहले केस में निकल कर यही आया कि उनको राहत नहीं मिला और कोर्ट ने, अदालत ने सीधा ये फटकार लगाई और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को खुद अपने शरीर के साथ उपस्थित होना पड़ेगा, सिर्फ वकील की पैरवी से काम नहीं चलेगा। और इसके साथ ही जो दूसरे केस है जिसपे सारे लोगों की, सारी जनता की, मीडिया सबकी ये नजर थी, बहुत हॉट टॉपिक था, खनन लीज पट्टा, इस मामले में भी उनको राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हुआ, बीजेपी के जो अधिवक्ता थे मनिंदर सिंह, उन्होंने कम से कम 2-2.5 घंटा करीबन अपनी बातों को रखा और 2-2.5 घंटा बात सुनने के बाद जो मीनाक्षी अरोड़ा, जो कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जो अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के अधिवक्ता ने जो भी 2-2.5 घंटा जो अपनी बातें रखी है उसका जवाब देने के लिए हमें अभी समय चाहिए, अभी हम समय की मांग करते हैं, कम से कम हमें 10-15-20 दिन की और समय की मोहलत है, तभी हम अपना स्टैंड को क्लियर कर पाएंगे। आपको बताते चले, अदालत ने इस मीनाक्षी अरोड़ा के इस बयान पर भी उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि बार 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 खनन लीज पट्टा की जो सुनवाई है वो टल रही है। आपको बता दें कि 3 बार टल चुकी थी, तो सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ये बयान आया था कि कोरोना हो गया है उनके वकील को। जी हाँ, उसके बाद फिर कई बार कुछ और दफ़ा कुछ बहाने बनाए गए, लेकिन कल जो सुनवाई हुई है वो चौथी दफ़ा है, तो अदालत ने कहा कि आज चौथी बार है और चौथी बार भी यही कुछ बहाना लग रहा है कि हमें समय चाहिए, समय चाहिए। आखिर कितना समय चाहिए? आपको बताते चले, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, लग रहा था कि कुछ फैसला निकल के सामने आ सकता है, लेकिन कल का दिन भी टल गया और फिर से अदालत ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, अगली सुनवाई में आपको कुछ स्पष्ट जवाब देना होगा। अब बता दें, सीएम हेमंत सोरेन, अभी और एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि वो कल ही गए थे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में एक बहुत ही शिष्टाचार मुलाकात हुआ है, अनऑफिशियल मुलाकात था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, बहुत ही शिष्टाचार मुलाकात हुआ और इस मुलाकात में बहुत अपने दिल की बात, अपनी भावना को उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष रखी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी बहुत शालीनता से बात सुना और बेहद खूबसूरत मीटिंग हुआ है। और कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों की जो मीटिंग हुई, आपको बता दें, वैसे दो लोग राजनीति में मिलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दो लोग राजनीतिक दल या फिर कुछ दो राजनीतिक लीडर अगर आपस में मिलते हैं, तब जब दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग हो तो बड़ी खबर बन जाती है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन को लेकर भी कुछ, जो कि एनडीए की प्रत्याशी उम्मीदवार है राष्ट्रपति की, उनको लेकर भी उन दोनों के बीच कुछ बातें हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं, हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि यशवंत सिन्हा जो अपोजिशन के प्रत्याशी है, राष्ट्रपति उम्मीदवार है, जब उनका नामांकन हुआ था तो जेएमएम के कोई भी सदस्य उतना उपस्थित नहीं रहे, सब एब्सेंट रहे थे उसमें, तो कहीं ना कहीं ये देखकर लग रहा है, और जेएमएम का कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी भी बन जा रही है झारखंड की पिछली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को समर्थ करने की, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी महिला है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है द्रौपदी मुर्मू को उतार के, तो कहीं ना कहीं जेएमएम इसमें थोड़ा सा फंसते नज़र आ रहा है, क्योंकि एक नैतिक, एक एथिकल उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि आदिवासी के मुद्दे को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, तो यहाँ से मुकरना, द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट न करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये बातें उन दोनों के बीच हुई थी, खैर ये ज़्यादा कुछ बातें निकल के सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा स्टैंड क्लियर होते हुए दिख रहा है और सत्ता के गलियारों में और मीडिया के बीच खबरें चल रही है कि जो जेएमएम है वो जल्द अपना स्टैंड क्लियर करेगा, बैठक होगी और जल्द ही द्रौपदी मुर्मू को, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू को, एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अपना सपोर्ट देगी। आपको बताते चले, कांग्रेस पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम यशवंत सिन्हा के साथ हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच फिर से तकरार होती कि क्या। लेकिन एक कयास और लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में जो अमित शाह से जाके मिले हैं, तो क्या इतने सारे जो केसेस चल रहे हैं यहाँ पर, आचार संहिता है, खनन लीज पट्टा है, इस पर कुछ राहत मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी सीएम हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं है, बल्कि अगली सुनवाई में फिर से, जैसा हमने कहा कि आचार संहिता में साफ तौर पर कहा गया है कि आपको आना पड़ेगा, शरीर के साथ आना पड़ेगा और आपको गवाही देनी पड़ेगी, अब मीडिएटर के थ्रू काम नहीं चलेगा, तो कहीं से भी राहत तो मिलते दिख नहीं रहा है। देखना होगा कि आगे क्या अपडेट, अगली सुनवाई में क्या अपडेट होता है। सबसे पहले जीएन भारत आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।